हेलो एडिटर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको हमारे वेबसाइट से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट से की पैक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स कैसे डाउनलोड और इंपोर्ट करते हैं इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप लेटेस्ट वीडियो के मटेरियल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत पुराने वीडियोस के भी मटेरियल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेकी पैक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कैसे करते हैं इसका भी पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल इनेबल भी कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लेटेस्ट वीडियो के मटेरियल्स कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को ओपन कर लेना है। तो आज का लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, ये देखिए ये वाला है, तो उसको मैं प्ले करता हूँ। वीडियो प्ले करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास करना है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो दोस्तों आपको कम से कम 2 मिनट तक तो वीडियो को देखना होगा। दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 2 मिनट तक तो वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है, मटेरियल्स डाउनलोड करना है या सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट या सेकी पैक प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक्स के नीचे यहाँ पर वेबसाइट की लिंक दिखाई देगी https://www.google.com, तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये लिंक आपको क्रोम ब्राउजर में सिर्फ ओपन कर लेने हैं। तो दोस्तों मैं इस लिंक को क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट कर देना होगा या फिर दोस्तों आप इस लिंक से नहीं डायरेक्ट जाना चाहते वेबसाइट पर, तो दोस्तों आपको www.technoj.in पूरा सर्च कर लेना है तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर जाने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा वेबसाइट का, यहाँ पर 5 ही पोस्ट दिखाई देते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपको मोर पोस्ट देखने हैं तो ज़्यादा पोस्ट लोड करें पर क्लिक करके आप और भी पोस्ट देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वो ऊपर ही मिल जाएगा, इस वीडियो की पोस्ट ओपन मिल जाएगी। आज का वीडियो की यहाँ पर देखिए थंबनेल और आज का वीडियो का थंबनेल भी देख लीजिए। दोस्तों सेम थंबनेल आपको देखना है और थंबनेल देखने के बाद थंबनेल पे क्लिक करिए या यहाँ पर टाइटल दिखाई देगा बोल्ड कलर में, उस पर क्लिक कर दीजिए। दोनों में से कहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए, आपके सामने इस वीडियो की पोस्ट ओपन हो जाएगी। पोस्ट ओपन होने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अगर पढ़ना है इस पोस्ट को तो भी आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेकी पैक प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको ऑल मटेरियल्स डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों आपको 20 सेकंड तक वेट कर लेना होगा। तो दोस्तों सिर्फ 20 सेकंड वेट करना है। दोस्तों टाइमर लगा दिया है, दोस्तों टाइमर इसीलिए लगा दिया है कि बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो भी नहीं देखते और सीधा जाते हैं मटेरियल्स डाउनलोड करते हैं और वीडियो बना देते हैं, इससे वॉच टाइम भी गिरता है और दोस्तों वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो जाता है, इसलिए मैंने टाइमर लगा रखा है। दोस्तों आपको 20 सेकंड वेट करने के बाद फिर से एक बार आपको एक ऑप्शन में दिखाई देगा क्लिक टू डाउनलोड, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इसी पोस्ट ओपन हो जाएगी, यही पोस्ट, तो आपको फिर से एक बार नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बीट मार्क प्रोजेक्ट सेकी पैक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको जो भी इंपोर्ट करना है या डाउनलोड करना है, ऑल मटेरियल्स डाउनलोड करना है तो दोस्तों आपको ऑल मटेरियल्स में जाना है और मीडियाफायर की लिंक ओपन हो जाएगी। आपको सीधा मीडियाफायर के लिंक में जाना है और आपको मैं हर रोज सॉन्ग भी देता हूँ, ओवरले इफेक्ट भी देता हूँ, PNG भी देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों साई पल्लवी जिप यानी कि ये हमारे फोटोज़ है। दोस्तों सभी फोटोज़ एक ही जिप फाइल में होते हैं, सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना होता है। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया है जिप फाइल का, फोटो का क्या सीन होता है दोस्तों जिप फाइल का। दोस्तों ये करने के बाद अब हमें बीट मार्क प्रोजेक्ट और सेकी पैक प्रीसेट को मैं आगे कैसे इंपोर्ट करते हैं अलाइट मोशन में ये बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हम हमारे पुराने वीडियोज़ के तो हम 5 ही पोस्ट के लेटेस्ट पोस्ट हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं ऊपर, तो हमें बहुत पुराने 10, 15, 20 1 महीने का 2 महीने का पोस्ट के अगर मटेरियल्स डाउनलोड कर लेने हैं तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों सपोज़ हमें ये वाला सपोज़ हमें ये देखिए गेंदा फूल वाला अगर स्टेटस के मटेरियल्स डाउनलोड कर लेने हैं तो हमें कैसे करने होंगे। तो दोस्तों इसके लिए तो दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हो वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर लाइक कर देता हूँ वीडियो, आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए हर बार। तो दोस्तों अब हमें इस कियारा गेंडा फूल सॉन्ग बीट सिंह इस वाले वीडियो के मटेरियल्स डाउनलोड कर लेने हैं तो हम कैसे करें। ये तो बहुत पुराना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत 7-8 दिन पहले का वीडियो या 20-25 दिन वीडियो पहले के भी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के मटेरियल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आप फिर वही प्रोसेस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद होम पेज पे आइए। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च का, ये देखिए उस पर क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टाइप कर लेना है, तो हमारा जो टाइटल होगा, टाइटल का जो फर्स्ट पैनल होगा, फर्स्ट लाइन होगी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डबल डैश है, उससे आगे वाला कियारा गेंडा फूल सॉन्ग बीट सिंह, तो उसको आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। कियारा
गेंडा फूल इतना भी सर्च कर लेंगे तो भी दोस्तों आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ही सर्च करना होगा, थोड़ा सा ही कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, 31 मई की पोस्ट है, आज 18 तारीख यानी कि हम 19 दिन पहले की पोस्ट यहाँ पर ओपन कर ली है। दोस्तों इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो फिर से एक बार आपको उसी पर क्लिक कर देना है टाइटल या थंबनेल पर, और वही प्रोसेस दोस्तों आपको कर लेने हैं। ये हमारे पुराने वीडियोज़ में हम सीधा डायरेक्ट लिंक दे देते, टाइमर नहीं था दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे हम टाइमर भी दे रहे हैं, इसलिए आपको टाइमिंग वाला जो हमने पहला प्रोसेस बताया वो प्रोसेस कर देना है दोस्तों। इसके बाद मेन बात आती है कि हम सेकी पैक प्रीसेट और बिट मार्क प्रोजेक्ट को कैसे इंपोर्ट करें अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर भी बीट मार्क प्रोजेक्ट का बटन दिखाई देगा या सेकी पैक प्रीसेट का, सिर्फ उस पर टच कर देना है। एक बार टच कर दीजिए, टच करने के बाद दोस्तों रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में ले जाएगा। आप इसलिए क्रोम ब्राउजर में वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, इसका फायदा दोस्तों ये है कि सीधा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट हो जाएगा और वेरीफाइंग लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ सेकंड वेट कीजिए, वेट करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए सेकी पैक प्रीसेट बाय टेक्नो जे और इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो प्रीसेट है, मैंने जो प्रीसेट आपको प्रोवाइड किया है, वो आपके अलाइट मोशन एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा। यहाँ से आप इनको कॉपी करके अपने स्टेटस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप लेटेस्ट वीडियो के पोस्ट कैसे, लेटेस्ट वीडियो के मटेरियल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने वीडियोज़ के भी कैसे डाउनलोड करते हैं, और हमारे प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कैसे इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपके सारे प्रॉब्लम इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से फायदा होगा तो दोस्तों वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलता हूँ एक और बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।